यीशु ने मुझे सुविधापूर्वक जीवन के लिए नहीं बुलाया। उसने मुझसे कभी ये वादा भी नहीं किया। पर उसने मुझसे ये वादा किया है कि वो मेरे साथ चलेगा। और उसने वादा किया है कि सब कुछ फिर से नया कर देगा। गांव में रहने चाहता हूँ और गांव ही मेरा पसंद का है। हम जो काम करते हैं, सेहत मजूरी काम करते हैं, तो मैं 2017 तक बीमार पड़ा और स्कूल गए नहीं पाया। मम्मी भी बीमार थी, वो भी मैं मेंटल सा था। मुझे गुस्सा आता था, उसको मारने के लिए पत्थर जो भी मिला उसे मारते थे। मैं चर्च में गए तो हमको सामने बिठा के और बच्चे हमारे भला हो करके वो दुआ मांगते थे प्रभु यीशु स्वामी। नींद में था तो अचानक लाइट की तरह हम इधर आके बैठे जैसा हो गया, तो मेरे आँखें खुल गए जैसा हो गया। मैं और बहुत दिन था जब मैंने शांति की। करके हमको गांव का मुखिया जो हमको घर में रहने नहीं दिया, सर छोड़ दो ये तुम्हारा कौन सा देवी देवता है करके, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं करके बाहर कर दिए थे। हमारा गांव घर का जो कवेलू था वो उतारा और दरवाजा पूरा निकल के बाहर कर दिया। तब हमारे घर को तोड़ डाला। उसके बाद वो खुद ही पुलिस स्टेशन में आए और ये डराए, एक साल गांव में नहीं थे। चर के आसपास एक छोटा सा झोपड़ी था, उसमें रहते थे। और खेत में हमको नांगरने नहीं देते और खुद के यहाँ कोई साधन नहीं था, बैल वगैरह कुछ भी नहीं था। प्रभु ने जो कुछ पहले था ना तो उसमें हमको विश्वास में लाए, तो प्रभु नहीं छोड़ सकते। ए मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के पर के जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे।